గుడ్ ఈవినింగ్. ఉప్పల్ అంబర్పేట్ ఫ్లైఓవర్తో పాటు రోడ్ల విస్తరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ. హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో మీటింగ్ జరుగుతోంది. మీటింగ్లో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్లో చూద్దాం. और इससे हमारी गाड़ी चलेगी, बसेस चलेगी. मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में लोकसभा सांसद हूँ, हमारे यहाँ 55 एयर कंडीशन बसेस ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलती है. आप बस में बैठिए, पेट का पानी हिलता नहीं ऐसी बसेस है. हैदराबाद में ये बसेस आप लाइए, आप हैदराबाद के पोल्यूशन को कम करिए, क्योंकि हमारे रोड के एक्सीडेंट और पोल्यूशन ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है. 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं. मैं विशेष रूप से आपसे अनुरोध करूँगा कि हम लोग रोड पर मरने वाले लोगों की संख्या को कम करें. मैं भी साउथ कोरिया गया था, वहाँ करीब 13,000 एक्सीडेंट साल में होते थे. वहाँ के सरकार ने ऐसी इच्छा शक्ति का परिचय दिया कि 13,000 के बजाय अब केवल 212 एक्सीडेंट होते हैं. केवल 18 साल से लेकर 35 साल तक 65% के लोगों की मौत होती है, लाखों लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं. हम रोड तो बड़े बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाएंगे. मैं हैदराबाद से बेंगलोर का हाईवे बना रहा हूँ, हैदराबाद से विजयवाड़ा का हाईवे बना रहा हूँ, 12 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, और 2 एक्सप्रेस हाईवे का 26 मई को इसी महीने में दिल्ली में प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन कर रहे हैं. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे 14 लेन का है. लोग जब उस पर घूमते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हम हिंदुस्तान में कि अमेरिका में है. हमने दिल्ली का रिंग रोड भी बनाया, उसका भी 26 मई को उद्घाटन है. हम दिल्ली से मुंबई 1 लाख करोड़ का नया रोड बना रहे हैं, और इसलिए रोड तो बनाएंगे ही, पर मैं राज्य सरकार से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो एक्सीडेंटल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, जो NHAI के रोड पर है, स्टेट हाईवे के रोड पर है, म्यूनिसिपल रोड पर है, इसको आप इम्प्रूव करने के लिए भी प्राथमिकता दीजिए, ताकि लोगों की जान बचे. जैसे आपने इरीगेशन में काम किया है, वैसे ये रोड सेफ्टी में भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप काम करिए. जहां तक ये फ्लाईओवर की बात है, किशन रेड्डी जी ने भी कहा, आपने भी कहा है कि 200 मीटर इसको बढ़ाना है. मैं 200 मीटर बढ़ाने के DPR बनाने का आदेश आज ही देता हूं, पर लैंड एक्विजिशन महानगर पालिका या आपको करना होगा, ये मैं नहीं करूँगा. इसकी जिम्मेदारी आप स्वीकार करिए, तो मैं 200 मीटर का एक्सटेंशन आपको जरूर दूंगा. आपने एक बहुत अच्छी बात कही है, वो है इनलैंड वाटरवेज की. मैंने देश में 10 वाटरवेज का काम शुरू कर दिया है. पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज हम लेकर आ रहे हैं. मुंबई में मैंने ट्रायल की है, और आज अगर पानी के ऊपर का जो हवाई जहाज है वो आपका जो लेक है यहाँ, यहाँ भी उतर सकता है, तो एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है. अब ये हवाई जहाज आने वाले 2-3 महीने में नियम फाइनल होंगे, लगभग होने के लिए आए हैं, तो सी प्लेन शुरू होंगे, कैटरमैरन, हवरक्राफ्ट. और मुंबई में मैंने एक बस खरीदी की है जो पानी पे भी चलती है और रोड पर भी चलती है. और गंगा में हम 1680 किलोमीटर का वाटरवेज बना रहे हैं. 4 मल्टी मॉडल हब है, आप उसको देखने के लिए आए, क्योंकि मैं जब कहता हूँ लोगों को सपना लगता है. ये सपना नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है. यूरोप में आप किसी भी देश में जाइए, फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, इटली में जाइए, UK में जाइए, इंडस्ट्री रिवर के बाजू में होती है, और कंटेनर रिवर में जहाज में डालकर पोर्ट में आता है. अगर हम रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा आता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये खर्चा आता है, और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपये खर्चा आता है. अगर ये वाटर ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो हमारे एक्सपोर्ट में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा. और इसलिए हमारे औद्योगिक विकास के लिए हमारे इनलैंड वाटरवेज की आवश्यकता है. आपने अभी बात की है कि ये जो गोदावरी का जो नासिक से शुरू होती है, गोदावरी तो भद्राचलम, ये NW4 है. इसकी वह 1184 किलोमीटर लेंथ है नासिक से, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ रिवर टू कृष्णा फ्रॉम वजीराबाद टू गलगली, ये 628 किलोमीटर है. अगर ये कंप्लीट अगर हुआ तो आंध्र की और तेलंगाना की इकोनॉमी बदल जाएगी. और मैं आपको विश्वास देता हूँ, आपके सरकार के पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है. मैं ऐसा एक मंत्री हूँ कि अभी तक 10 लाख करोड़ के काम में अपना ऑर्डर दे चुका हूँ, और 25 लाख करोड़ का काम करूँगा. TV वाले मेरा रिकॉर्ड कर लेना बराबर. 35 साल में कोई पत्रकार मेरे डिक्लेरेशन के बारे में मुझे सवाल पूछने वाला पैदा नहीं हुआ है. अगर मुझे काम करना है तो मैं हाँ कहता हूँ, नहीं तो नहीं कहता हूँ. ये काम आपने सुझाया, ये मैं करने के लिए तैयार हूँ,
और गोदावरी का अगर वाटरवेज बन जाएगा तो आंध्र तेलंगाना और महाराष्ट्र की इकोनॉमी बदल जाएगी। नासिक का प्याज बहुत कम रेट में हैदराबाद आकर पहुंच जाएगा तो उसका रेट 2 रुपये 3 रुपये किलो कम हो जाएगा। और इसलिए ये वाटरवेज जो है इसका मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने ये स्टडी फिजिबिलिटी स्टडी पूरा किया है। मैं तुरंत DPR बनाने का ऑर्डर भी दूंगा और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आंध्र प्रदेश आप और महाराष्ट्र तीनों मेरे साथ 10-10% में इक्विटी में IM स्पेशल व्हीकल तैयार करेंगे, पैसा मैं खड़ा करूंगा। JNPT हमारी मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, उसको इस साल 1400 करोड़ रुपये फ़ायदा हुआ है और मैं फॉरेन एक्सचेंज में 2% इंटरेस्ट से लोन लाऊंगा। मैं भी 6000 करोड़ की रेलवे बना रहा हूँ मनमाड़ से नासिक, मुझे 2.25% से पैसा मिला है और इसके लिए मैं पैसा लाऊंगा। आप राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजिए, ये गोदावरी के वाटरवेज का काम इसी साल शुरू करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और भारत सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपये इस काम के लिए शुरुआत में अलॉट करूंगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। पानी के ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8-10% है, यूरोपियन देशों में 12-13% है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर आधी हो गई तो वर्ल्ड के मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की और राज्यों की ग्रोथ बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यानी बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जैसे IT सेक्टर ने ये रोजगार दिया है वैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने से ये भी रोजगार मिलेगा। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, आप जल्दी ही मुझे इसका प्रस्ताव दीजिए। हम तीनों स्टेट साथ में आकर, अभी मैं बंकिंघम कैनाल का भी काम मैंने शुरू किया है, मैं सुवर्णरेखा पर काम मैंने शुरू किया है, काफ़ी नदियों में काम शुरू किया है। लोगों को गंगा का काम तो इतना बड़ा है, 4 मल्टीमोडल हब है और यहाँ से वाराणसी से साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश और म्यांमार यहाँ तक अब मटेरियल माल चला जाएगा तो UP और बिहार की इकोनॉमी बदल जाएगी। ये मेरा बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और वाटर रिसोर्सेज का भी मंत्री मैं हूँ, ट्रांसपोर्ट का भी मंत्री मैं हूँ, रोड का भी मंत्री मैं हूँ, ऑटोमोबाइल का भी मंत्री मैं हूँ और रिवे इनलैंड वाटरवेज का भी मंत्री मैं हूँ, तो सभी निर्णय मेरे हाथ में हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सरकार इसमें ज़रूर आगे आए, थोड़ा सा पैसा दे, साथ में रहे, अगर नदी के आजू बाजू की लैंड हमको उपलब्ध करा के दे, जैसे एयरपोर्ट बने हैं वैसे रिवर पोर्ट बनाएंगे और रिवर पोर्ट बनाकर लोगों को पानी से जाने की सुविधा कर देंगे तो मुझे लगता है टिकट के रेट भी कम हो जाएंगे। मैं और एक आपको अर्बन मिनिस्टर के नाते प्रार्थना करूँगा कि ये डीजल की बसेज जो है इसको आप कम करिए, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोCNG और इलेक्ट्रिक की बसेस लाइए। अभी मैंने एक अध्ययन किया था कि मुंबई में बेस्ट बस जो चलती है वो डीजल पे चलती है, 1 किलोमीटर का उसका खर्चा रोज का 110 रुपये है पर किलोमीटर और यही चीज़ इलेक्ट्रिक का 50 रुपये किलोमीटर है, तो आधे पैसे में इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चल सकती है। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई है, हमारे नागपुर शहर में 200 इलेक्ट्रिक टैक्सी है, 20 चार्जिंग स्टेशंस है, हैदराबाद ये पोल्यूशन से मुक्ति दिलाई है और इलेक्ट्रिक मिथेनॉल, इथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोCNG पर अगर आप लाएंगे तो मुझे लगता है कि ये सुंदर शहर प्रदूषण मुक्त भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, प्रदूषण भी कम होना चाहिए और ट्रांसपोर्ट के अच्छे साधन होने चाहिए, रोड भी अच्छे होने चाहिए, वाटरवेज भी अच्छे होने चाहिए, एयरपोर्ट भी अच्छे होने चाहिए और साथ साथ अभी आपने मेट्रो बनाई, आप अभी ब्रॉडगेज मेट्रो बनाओ और अभी दिल्ली में मैं आपको अनुरोध करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम माला धौला कुआ से मानेसर 70 किलोमीटर हवा में चलने वाली बसें शुरू कर रहे हैं जो ऊपर के ऊपर चलेगी तो नीचे लोगों को रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैदराबाद के लिए भी आप नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशन आप जरूर, आप और मुख्यमंत्री इसके तरफ ध्यान देते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर ट्रांसपोर्ट इज़ द नीड ऑफ द कंट्री एंड इनोवेटिव अप्रोच जो पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट है, ऐसी टेक्नोलॉजी अब वर्ल्ड में है। मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद उसका अनुकरण करे, भारत सरकार की ओर से इस पूरे काम में हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और आपने जो डिफेंस के लैंड की बात की वो मेरे अधिकार में विषय नहीं है पर प्राइम मिनिस्टर ने मेरी अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी अपॉइंट की है, उसमें सभी राज्यों के जो काम बंद रहते हैं उसके लिए रिव्यू किया जाता है। आप ज़रूर मुझे इसके कागज़ दीजिए,
मैं अपने तरफ से इसके लिए जो भी सहयोग कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और तेलंगाना के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हम कभी ये काम नहीं करेंगे कि ये सरकार दूसरे पार्टी की है। वी डोंट वॉन्ट टू मिक्स अप पॉलिटिक्स विद डेवलपमेंट। द पॉलिटिक्स फॉर 21st century इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट एंड इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी इज द मिशन फॉर ऑल ऑफ अस। टू क्रिएट इंक्रीज मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज द मिशन एंड दैट इज द वे दैट वी हैव टू वर्क हार्ड एंड फास्ट। मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ आपके इस विकास में भारत सरकार की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।